संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेदांतसार में हमने दो भागों में थोड़ा सा जाना और अनुबंध के बारे में जान लिया था हमने। आज हम समाधि षटक संपत्तियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो थोड़े से छोड़ दी थी हमने, उसके बाद फिर हम आगे उसमें चलेंगे। वेदांतसार, ठीक है। अब वेदांत सार में जान लिया था हमने, अब यहां डाल देते हैं समाधि। समाधि कितनी है, चलिए ऐसे लिख लेते हैं सीधे, है ना। शमा, इसमें इसीलिए कहा गया है शमा दमा उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या, ठीक है, इस तरह से इसको बोला गया है। शमा दमा उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। एक एक चीज को बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और दो माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया था अध्ययन करने वालों को, तो इसमें एक मानिए कि अगर वो इस उद्देश्य से अध्ययन करें कि मुझे इसमें पारंगत होना है, पास होने के लिए अध्ययन करेंगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो माध्यम मैंने दो बता ही दिए थे। दो माध्यम का मतलब क्या है कि एक तो पढ़ने के माध्यम से जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनके माध्यम से, दूसरा इसमें आध्यात्म का भी हम देखते चले जाएंगे उदाहरणों के जरिए। हालांकि इनमें कहीं खास उदाहरण नहीं दे रखे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और मैं कितना सफल हो पाया हूं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, ठीक है। तो शम क्या है, हमने पढ़ा था जो अधिकारी होता है वो समाधि शतक संपत्तियों से युक्त होता है, अर्थात वो ये इसके साधन की तरह प्रयोग करता है इनको। साधन चतुष्टय के अंतर्गत आती है ये। तो साधन में समाधि शतक संपत्ति में शमहा पहला आता है। शम का सीधा तात्पर्य है कि शमन होना। अब यहां पर जो इन्होंने वाक्य बोला है वो कहा है श्रवण आदि मनसा, श्रवण आदि तद व्यतिरिक्त विषय मनसा निग्रह, इस तरह से इन्होंने बोला है। मन का इसमें निग्रहण करना है। श्रवण आदि क्या है, इसमें बोला है ना श्रवण आदि, आदि शब्द बड़ा इसमें दिमाग में एक कंफ्यूज पैदा करने वाला कि श्रवण आदि है क्या। वैसे श्रवण तो वेद वाक्यों से संबंधित भी लगाया जा सकता है, कि श्रुति है, श्रुति को हम जब सुनते हैं उन वाक्यों को, वेदांत के वाक्यों को भी श्रवण के अंतर्गत लिया जा सकता है। लेकिन श्रवण आदि व्यक्तृत्व विषयभ्यो निग्रह, मनसो निग्रह, यानी कि उससे श्रवण आदि से जो अलग हट करके व्यतिरिक्त विषयभ्यो, यानी जो अलग विषय है उनसे मन का निग्रहण करना, उनका मन को रोक देना, है ना। मन का क्या करना है, निग्रह करना है, रोकना है एक तरह से। तो यहां श्रवण आदि से याद रखना है कि हमें किस लिए ब्रह्म का, वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म हो जाने के लिए, अर्थात स्वयं ब्रह्म बनने के लिए। मैं ब्रह्म की प्राप्ति भी शब्द ठीक नहीं है, हम ब्रह्म है ये भूल गए हैं, उसकी याद दिलाने के लिए इसका अध्ययन कर रहे हैं, याद करने के लिए हमको अध्ययन करना पड़ रहा है इसका। तो यहां पर मन का निग्रह करना है श्रवण आदि अर्थात ब्रह्म की याद दिलाने में, जो वाक्य आपके लिए सही है उनको तो ग्रहण करना है, उनसे उनमें मन को लगाना है, लेकिन इनसे अतिरिक्त जो विषय हैं, जो वाक्य हैं, उनसे मन को निग्रह करना है, रोकना है, बस इतना है इसमें। तो श्रवण आदि व्यक्तृत्व विषय भ्यो मनसो निग्रह, ये इसमें बोला गया है। दमा क्या कह रहा है, इसमें बोला गया है बाहेन्द्रियाणाम, यानी कि जो बाहर की जो इंद्री हैं, उनका क्या है बाहेन्द्रियाणाम तद व्यक्तृत्व विषयभ्यो निवर्तनम, सीधा इसमें निग्रह करना बताया गया था, ठीक है। और इसमें निवर्तनम, निवर्तन है इसमें, निवर्तन का मतलब होता है लौटाना, ठीक है। यहां पर निग्रह करना रोकना है, क्योंकि लौटाना शब्द मन के लिए ठीक नहीं है, बस केवल रोक देना है उसको जाए ना पाए,
इंद्रियों को लौटाना है, उसमें जो रमण कर रही है, रमण कर रही है उसमें लौटाना है, इसमें शब्द का प्रयोग। तो यहां पर मन का जो अतिरिक्त विषय है श्रवण आदि, उसमें से निग्रह करना है। और दम क्या है, जो आपके विषय हैं बाह्य इंद्रियां जिसमें लगी हुई है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बाह्य इंद्रियों की एक अपनी सीमा होती है जो वेद विहित बताई गई है, इनको इतना ही करना है। जैसे आंखों का कार्य है देखना, देख करके लोग व्यवहार करना और जीवन यापन करना, लेकिन आनंद के द्वारा आंखों के द्वारा आनंद की अनुभूति लेने लगी जाए तो वो इंद्रियों का अतिक्रमण हो जाता है, अर्थात वहां से उनको फिर लौटाना पड़ेगा, ये प्रक्रिया है। कानों से भी सुना जाए जिससे कि ब्रह्म की तरफ एक गति आगे, एक कदम आगे बढ़ा जाए, लेकिन कानों से यदि आनंद की अनुभूति करने लग जाए, किसी चीज में रमण करने लग जाए, तो वहां वो अतिक्रमण हो जाएगा इन इंद्रियों का, तो वहां से उनको लौटाना है। ऐसे ही है जीवा, जीवा स्वाद जो ग्रंथियां होती हैं वो पाचन के संबंधित होती हैं, लेकिन इसमें अब आगे चले जाए, बढ़ जाए आगे और स्वाद में आनंद ले लगे जाए तो वो शरीर के लिए भी नुकसान है। इसका डायबिटीज सबसे बड़ा उदाहरण है, ब्लड प्रेशर उदाहरण है और अनेक बीमारियां हैं जो स्वाद के कारण ही होती हैं। तो उनको क्या करना है, उनको लौटाना, एक सीमा बना देनी है कि हाँ ये है। ठीक है, तो दोनों चीज समझ में आ गई उम्मीद कर रहा हूं। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है उपरति में, देखिए इसमें ये इससे संबंधित, हालांकि श्रम और दम दोनों से संबंधित होता है उपरति, और मन जो होता है मन वो समाधान से संबंधित है। थोड़ी सी इसमें बात समझ लें, निवर्तनम, तो यहां पर क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि जो निवर्तन किया था, निवर्तता नाम एतेषां, जो निवर्तन किया था एतेषां तद व्यतिरिक्त विषेभ्यो उपरमणम उपरति, अर्थात इंद्रियों को जो लौटाया था उसको लौटाने में अब हमने एक निश्चित सीमा बना दी कि ये यहां तक ही रहेंगी, उसी में उसको एक तरह से विलय कर देना है। उपरमण का जो मतलब होता है एक तरह से विलय से होता है, उपरमण का मतलब उसी में रम जाना, इंद्रियों फिर शक्ति उत्पन्न ना करने देना, इस तरह से उपरति के बारे में बोला गया है। उपरति में एक तो चीज यह है कि निवर्ति, और दूसरा कह रहा है भीतानाम कर्मणाम विधिना प्रत्यागा, भीतानाम कर्मणाम विधिना प्रत्यागा, अर्थात जो कर्म है तो पहली स्थिति होगी, दूसरी स्थिति में यह कहा गया है कि भीतानाम कर्मणाम विधिना प्रत्यागा, दो स्थिति है ये, उपरति की प्रथम स्थिति है जो निवर्तन हुए हैं उनको उसी में उपरमण कर देना है, किसको, इंद्रियों को। ठीक है, दूसरी स्थिति है विहितानाम कर्मणाम विधिना प्रत्याग, यानी कि जो विहित कर्म है, बताए हुए कर्म है उसका विधि के द्वारा प्रत्याग कर देना। अब यहां दोनों की चीजों को समझ लें थोड़ा सा, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो आश्रम में रहा करते थे और अपने पत्नियों के साथ आश्रम में निवास करते थे, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचारी कहलाते थे। यहां पर वो व्यवस्था थी उनकी शम की और दम की, यानी कि वो मन को निग्रह करते थे, उनकी जो सीमा थी उसी तक सीमित रहते थे, ऐसे ही इंद्रियों के साथ भी वो व्यवस्था करते थे। तो वो व्यवस्था में पूरी उपरति जो थी वो उनकी इसके द्वारा थी, इंद्रियों के द्वारा। लेकिन दूसरी जो स्थिति है, भेद जो कर्म है उनका विधि के द्वारा जो प्रत्याग करना है, वो कौन है, वो है जो इस व्यवस्था को, संसार की व्यवस्था को छोड़कर के वन को चले गए। उसका उदाहरण, सबसे बड़े उदाहरण हमारे कुछ ऋषि मुनि भी आते हैं इसमें, संन्यास ग्रहण करके चले गए थे, लेकिन सबसे बड़े उदाहरण में बौद्ध को ले सकते हैं, भगवान बुद्ध को, इस तरह से वो चले गए थे। महावीर जैन भी सांसारिक छोड़ करके वो चले गए थे। ठीक है, तो वो विहित कर्म के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इसमें याद रखना संन्यास के लिए बोला गया है, इसमें किसके लिए बोला, संन्यास के लिए बोला गया, दूसरे बारे में संन्यास ग्रहण कर लेना। तितिक्षा क्या है, तितिक्षा में बोला गया है शीत उष्ण द्वंद, शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, शीत और उष्ण ये दो शब्द के बारे में बोला गया है, शीत और उष्ण आदि, यानी आदि शब्द इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें आदि शब्द सहिष्णुता का मतलब उसको सहन करने की जो क्षमता है वो है जानी चाहिए। तो इसमें सारे शब्द लगा सकते हैं हम जो भी द्वंद में है, जीवन मृत्यु, यानी जन्म में हंसना, जब कोई बच्चा पैदा होता है या कोई पुत्र उत्पन्न होता है किसी के यहाँ,
तो खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन मृत्यु होने पर रुदन किया जाता है, रोया जाता है, तो दोनों की स्थितियों के परे चले जाना, प्रसन्नता में प्रसन्नता का भाव न रखना न आना और दुखी में दुख का भाव न आना, ये दोनों व्यवस्थाएं हैं इसके अंदर। तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश जीवन मृत्यु शीत उष्ण इस तरह से जो भी द्वंद हैं उन द्वंद में समभाव की भावना रखना ही तितिक्षा के अंतर्गत आता है। एक व्यवस्था होती है हमारे अंदर जो कहीं ना कहीं उस चीज को रोके हुए है, ठीक है। समाधान क्या है तो उसमें कहा गया है, और ठीक है, निगृहित से मनसा श्रवण आदौ, इसमें कहा गया ना श्रवण आदौ, उससे निगृहित करना था, श्रवण आदौ तद अनुगुण विषय च समाधि समाधानम, उस श्रवण आदि में मन को लगा देना, वहां था श्रवण आदि से अतिरिक्त मन को निग्रह करना, यह कह रहा है कि श्रवण आदौ श्रवण आदि में क्या करना है, मन का लगा देना ही समाधि कहलाता है, समाधि कहलाता है, ठीक है। जो निग्रहित हुआ, जो मन निग्रहित हुआ उसका क्या करना है, श्रवण आदि में और उनसे संबंधित जो विषय है तद अनुगुण विषय चा, ठीक है ना, और तद अनुगुण विषय चा अर्थात उनके जो विषय हैं मन के उनमें सीधे यानी श्रवण आदि के जो विषय हैं उसमें मन को लगा देना ही समाधि, यानी एकाग्रता, एकाग्रता इसका समाधि है, ध्यान रखना इस बात को। तो समाधि क्या है, समाधान, याद रखना समाधि एक तरह से ब्रह्म में मन का एकाग्रता से लगा देना ही समाधि कहलाता है, अर्थात वो समाधान है। श्रद्धा, इसमें कहा गया है गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु श्रद्धा, अर्थात गुरु के जो उपदेश हैं और वेदांत के जो वाक्य हैं उनमें श्रद्धा भाव रखना, आंख बंद करके एकदम, इसको अंधा अनुकरण भी कह सकते हैं इसके लिए, ये आपको श्रद्धा रखनी ही है। तो ये छह जो शम हैं, समाधि हैं, उनके बारे में जब व्यवस्था जान लेता है व्यक्ति, साधन बन जाते हैं उसके बारे में, तब फिर व्यक्ति समिधा हाथ में लेकर के उस ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। समिधा का प्रतीक है, समिधा किसका प्रतीक है थोड़ा सा इसके विषय में जान लें। समिधा से तात्पर्य है कि जब एक व्यक्ति किसी गुरु के पास जाता है तो समिधा यानी लकड़ी, लकड़ी है अग्नि का प्रतीक, अग्नि का प्रतीक है, और जब वो गुरु के पास जाता है तो गुरु के पास यदि समिधा लेकर के ना जाए, कोई और वस्तु लेकर जाए तो इतना सही नहीं है, क्योंकि जो लकड़ी है वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि मैंने जो भी ज्ञान अर्जित किया था, मैं जो भी जानता था किसी भी विषय में, ब्रह्म के विषय में, संसार के विषय में, सब कुछ मैंने उसमें मेरा जो ज्ञान था अग्नि अर्थात अग्नि से उसको भस्म कर डाला है, जला डाला है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो गुरु जो भी उपदेश करेंगे तो अपना ज्ञान उसमें उड़ेलेगा और उसमें संदेह पैदा करेगा, तो गुरु के प्रति वो श्रद्धा है वो कभी उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए समिधा जो व्यवस्था दी गई है हमारे वेदांतों में, उपनिषदों में, वो बहुत गजब की व्यवस्था है। वो समिधा इसी का प्रतीक है कि आपका जो भी ज्ञान है जब ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएं तो उस ज्ञान में अग्नि लगा करके, आग लगा करके कहते ना कि भैया आग लगा देना इस बात के लिए, तो वो जला करके जाएं जिससे कि आपको जो भी उपदेश किया जाए, वेदांत भाग बताया जाए, उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, ये ठीक है। तो इन चीजों के बारे में जैसे ही पता चलता है तो गुरु फिर इतना करुणावान होते हैं कि फिर वो अपने शरणागत आए हुए शिक्षार्थी मानिए, विद्यार्थी मानिए, शिष्य मानिए, जो भी मानना है मानिए, उसके लिए दो प्रकार से उपदेश करता है, अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप और अपवाद, अध्यारोप के द्वारा जो हमारे वेदांत सारा पूरा अध्यारोप में ही घूम रहा है, दरअसल अध्यारोप में फिर अज्ञान मुख्य जड़ है, अज्ञान अध्यारोप में आ जाता है, अज्ञान तो अज्ञान के रूप ही अध्यारोप होता है, और अज्ञान से सारी सृष्टि की व्यवस्था की गई, उसमें कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, सारी व्यवस्था दी गई है, और उनसे हट करके जब अपवाद में पहुंचेंगे, तुरी अवस्था में, चेतन की अवस्था में जानेंगे, तो ये थोड़ा सा विषय रह जाता है, ये तो मुश्किल से एक दो पंक्तियों में ही खत्म हो जाता है अपवाद। तो मुख्य हमारा ये है अध्यारोप, उसके बारे में जानेंगे। आज हमने थोड़ा सा जाना शम, यानी कि जो मन है उनको निग्रह करना, किससे, श्रवण आदि से अतिरिक्त जिन विषयों में जा रहा है मन उसमें निग्रह करना। दम क्या है, बाह्य इंद्रियों का, उसके जो अतिरिक्त विषय है, बाह्य इंद्रियाणाम
तद उसके जो विषय है तद इसमें शब्द प्रयोग किया गया है ना, तद व्यक्तित्व विषय देव यानी उनके जो विषय है उससे हटकर के जब इंद्रिय जा रही है उसका लौटाना। उपरति दो है, भेता नाम कर्मणा, दूसरा वाला देखा भेता नाम कर्मणा विधना प्रत्याग यानी संन्यास को ग्रहण कर लेना, इसका उदाहरण भगवान बुद्ध भी है और महावीर जैन भी है। और दूसरा है निवर्ता नाम, जो हमारी इंद्रियों को लौटाया था उसका उपरमण ही उपरमिति है, याद रखना उपरमण ही उपरति है। उपरमण का मतलब विलय कर देना, उसमें फिर उसमें शक्ति ना रह जाना कि वो जाकर के फिर दोबारा से वो इंद्रियों को आगे बढ़ जाए, ये उपरति है। उपरति एक तरह से इसको मानिए कि समाधि है इंद्रियों की, एक तरह से ढक देना, खत्म कर देना कि आप इससे ज्यादा कहीं नहीं जाएंगे, इस सीमा बना देना, रेखा खींच देना, तो ये उपरति कहलाती है। तितिक्षा क्या है, शीत और उष्ण जो द्वंद है, इस तरह के सारे जो भी द्वंद है उनमें समभाव रखना ही शीतिष्ण है, ना प्रसन्नता में प्रसन्नता का भाव अंदर से प्रसन्न होने होना और ना ही दुख के समय में दुख होना। समाधान निग्रहित मन का, उनके जो श्रवण आदि है और उनके जो विषय है उनके अनुरूप जो विषय है उनमें समाधि कर देना, मन का लगा देना, एकाग्र कर देना, समाधि का मतलब एकाग्र, याद रखना ठीक है, तो उसमें समाधान कहलाता है। श्रद्धा है गुरु के उपदेश और वेदांत भाग, इस तरह से हमने जाना। और फिर अध्यारोप और अपवाद, इसके बारे में हम अगली बार से अध्ययन करेंगे। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और यदि कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो, तो हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।